इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं इल्म और इस्लाम के उनवान पर। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इल्म चाहे दीन का हो या कायनात यानी यूनिवर्सल का, इल्म के ज़रिए अल्लाह की मारिफत को पहचानना असल मकसद है। अंबिया इकराम ने कायनात में गौर व फिक्र करके ही अल्लाह की ज़ात और मारिफत को पहचाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज के निकलने और डूबने पर गौर व फिक्र करके अल्लाह की हस्ती को पहचाना है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में रहकर कायनात में गौर तलब करके अल्लाह की मारिफत को पहचाना है। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत उतार कर सबसे पहले जो हुक्म नाजिल किया वो न तो अपनी ज़ात की तारीफ या तौहीद का हुक्म था, न तो नमाज और इबादत का हुक्म था, और ना तो कोई अच्छाई और बुराई के अहकामात थे। अल्लाह ताला ने कुरान की पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकुमल अज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक में इल्म हासिल करने की तलखीन की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मज़हब में इल्म की अहमियत है, जिस कौम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा का सबक दिया है, देकर भेजा है, उस नबी की उम्मत का क्या हाल है? आज ये तरक्की याफ्ता दौर जो हम देख रहे हैं, ये उस नबी की बरकत और तालीम है जिसको इकरा का सबक दे के भेजा गया। मैं आपको बता दूं, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम के पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक दुनिया की तरक्की न के बराबर थी। वही ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, वही तिजारत का निज़ाम, कोई कारखानों का तस्वूर नहीं, कोई कायनात की चीज़ों के इस्तेमाल का तस्वूर नहीं। इसकी वजह यह थी कि लोग कायनात की चीज़ों से डरते थे। लोग पहाड़ों से डरते, पहाड़ों की पूजा करते। लोग आसमान से डरते, आसमानों की पूजा करते। लोग आग हवा पानी से डरते और डर के इनकी पूजा करते थे। बल्कि यूं कहिए कि कायनात की हर चीज़ से डरते और उसकी परस्तिश करते थे। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत और इस्तेमाल के लिए पैदा की है। इसकी परस्तिश नहीं बल्कि इसको इस्तेमाल करना है। अब इंसान ने ज़मीन और पहाड़ों पर मेहनत करना शुरू किया तो पहाड़ों और ज़मीन से मादनियात यानी मेटल निकालने लगा। हवा पर मेहनत की तो हवा में उड़ने लगा। पानी पर मेहनत की तो पानी पर दौड़ने लगा। बल्कि यूं कहिए कि कायनात की हर एक शय पे मेहनत की तो हर एक शय को इंसान के इस्तेमाल के लायक बनाया। ये सारे डेवलपमेंट्स दुनिया की हज़ारों साल की तारीख में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बईसत के बाद पेश आए। इतना ही नहीं बल्कि खिलाफत राशिदिया ने ऐसी हुक्मरानी और निज़ाम हुकूमत दुनिया को दिया कि दूसरी छोटी बड़ी हुकूमतें अपने आप इस्लामी हुकूमत में जम करने लग गए। इसके बाद बनु अब्बास की हुकूमत में, जिनमें हारून रशीद जैसे खलीफा भी शामिल थे, इल्म की ऐसी हवाएं चली जो इल्म की रोशनी में सारी दुनिया को मुअत्तर करती चली गई। उस वक्त बगदाद इल्म का मरकज कहलाया जाता था। अलग अलग ज़ुबानों की किताबों का अरबी में तर्जुमे का काम किया गया। उस वक्त इल्म की किताबों को सोने के भाव तोला जाता। उस दौर ने दुनिया को इल्मी दानिश्वर और साइंटिस्ट दोनों दिए, जिनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। और तो और अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए दुनिया को मशाल राह और हिदायत के तौर पर कुरान नाजिल फरमाया, जिसमें
अलग अलग शोबे में रहनुमाई फरमाई गई है, चाहे वो शोबा समाजी हो, अखलाकी हो, साइंस का हो, एम्ब्रियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो या अलजेब्रा हो। कुरान ने हर शोबे में रहनुमाई फरमाई है। कुरान ने 1400 साल पहले बताया कि ज़मीन बैजवीनमा यानी अंडे की शक्ल में है। माँ के पेट में बच्चे की नशीनुमा को अल्लाह ताला ने कुरान में समझाया। इस्लामिक इकोनॉमिक्स तो ऐसी थी कि ढूंढने से ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। आज भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स को पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुरान में देख लें तो पता चलता है कि कमोबेश 3000 साल पहले कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फाइनेंस और एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी निभाई। बादशाह के ख्वाब की ताबीर के हिसाब से 7 साल बम्पर क्रॉप और 7 साल कहत से इजिप्ट और अतराफ के कंट्रीज को जूझना था। इजिप्ट जो आज के इलाके से तकरीबन उस वक्त 3 गुना बड़ा था। कहत की तैयारी के लिए अनाज को 7 साल के लिए महफूज रखना कोई आसान काम नहीं था। आज सरकारें 1 साल के लिए महफूज नहीं कर पाते, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल महफूज किया, जिसका फ़ायदा अतराफ के ममालिक ने भी उठाया। और तो और पॉलिसीज भी ऐसे बनाए कि इकोनॉमिकली देश को बहुत मजबूत किया, जो आज तक के लिए हुकूमतों के लिए एक सीख है। बहरकैफ कुरान की वाकियात और हिदायत रहती दुनिया तक के लिए मुकम्मल राय हिदायत हैं। कुरान में कुल 6666 आयात हैं और इनमें तकरीबन 550 आयत सर्च एंड रिसर्च को तलकीन करती हैं, ताकि इंसान कायनात में गौर व फिक्र करके इंसानियत के फ़ायदे के काम करे और अल्लाह की कुदरत को पहचाने। यही इल्म का असल मकसद है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।